इस साल के मई महीने में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द खबरें बनी रही। ऐसे में जाहिर तौर पर इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के दावे चलाए गए। ऑल्ट न्यूज ने विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए रखी और इसके चलते शेयर किए गए कई दावों की असलियत जनता के सामने रखी। ऐसे ही कुछ चुनिंदा दावों का फैक्ट चेक हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जोड़कर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया और दावा किया गया कि ये वीडियो कर्नाटक के मतदाताओं का मिजाज बयान करता है। ऑल्ट न्यूज को ये वीडियो 1 नवंबर 2022 को ट्वीट किया हुआ मिला। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि तेलंगाना के नलगोंडा में मुनुगौड़े उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन TRS और BJP कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर झड़प हुई थी। मई महीने की शुरुआत में ही कई मीडिया संगठनों ने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान में बलात्कार से बचाने के लिए माँ बाप अपनी बेटियों की कब्र को लॉक कर देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, जी न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े मीडिया संगठनों ने ये तस्वीर पाकिस्तान की बताकर चलाई। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि ये तस्वीर हैदराबाद की है। ये कब्रिस्तान हैदराबाद की मस्जिद ईद सालार मुल्क के सामने है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से स्क्रीन पर आप साफ देख पाएंगे कि ये कब्र हैदराबाद में है। ऑल्ट न्यूज ने हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जलील से कांटेक्ट किया। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और मस्जिद के मुख्तार साहब से ये बात की। नहीं, वो खबर है, ये कोई खबर का गलत है, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे थे तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की है, वो है पाकिस्तान की, वो क्या बता रहे थे? पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, हैदराबाद है जी, और दक्कन हैदराबाद है, बादरना पेट, जराबजंग कॉलोनी जी, हैदराबाद ओल्ड सिटी। बस यही मालूम करने का था मुसावी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी की ये क्लिप ट्वीट की। किरेन रिजिजू ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि आतिशी ने दिल्ली के विश्व स्तरीय स्कूल मॉडल का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश किया। आतिशी मार्लेना ने किरेन रिजिजू के ट्वीट को ट्वीट करते हुए बताया कि ये स्कूल दिल्ली नगर निगम के तहत रजिस्टर था, जिसे भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से चला रही थी। इसी तरह ये वीडियो शेयर करते हुए दावा चलाया जा रहा है कि कर्नाटक में चुनाव के बाद भाजपा नेता की गाड़ी में से EVM मशीन पकड़े गए और इस पर स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। इसे शेयर करते हुए यूजर्स भाजपा पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा रहे थे। वीडियो वायरल होता देख ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि विजयपुरा जिला के बसवन्ना बागेवाड़ी चुनाव क्षेत्र के मसाबीनल गांव में गांव वालों ने चुनाव अधिकारी की गाड़ी रोकी थी, जिसमें रिजर्व्ड EVM थे। इन लोगों ने 2 कंट्रोल यूनिट्स, 2 बैलेट यूनिट और 3 VVPAT को नुकसान पहुंचाया था। वहीं सेक्टर अधिकारी से भी मारपीट की गई थी, जिसके बाद इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये वीडियो शेयर करते हुए कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत पर सवाल उठाया जाने लगा। वीडियो में एक शख्स बाकी लोगों के बदले वोट डाल रहा है। हमने जांच की और पाया कि ये वीडियो असल में 2022 में पश्चिम बंगाल में हुए नगरपालिका चुनाव का है। वहीं कई मीडिया संगठनों ने ये CCTV फुटेज चलाते हुए दावा किया कि ये उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम है। आज तक नवभारत टाइम्स, न्यूज 18 राजस्थान, ABP न्यूज समेत कई बड़े मीडिया संगठनों ने इसी दावे के साथ ये क्लिप चलाई। बहरहाल वीडियो वायरल होता देख ओडिशा के बरगढ़ जिले के सोहेला गांव का हामिद मोहम्मद सामने आया और उसने बताया कि वायरल क्लिप में दिख रहा व्यक्ति वो खुद है, न कि फरार गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम। मेरा नाम है शेख हामिद मोहम्मद, मैं सोहेला का रहने वाला हूँ। वीडियो जो वायरल हो रहा, हमको लड़के लोग बताया कि तेरा नाम में गुड्डू मुस्लिम बोलकर वायरल हो रहा है, बोले मोबाइल में दिखाए, तो ये गलत काम हो रहा है ना। जो भी न्यूज वाले भी ये गलत काम करें, उनको एक्शन लिया जाएगा। इस महीने 9 तारीख को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट किया गया। इसका असर भारतीय सोशल मीडिया से लेकर मीडिया चैनल्स पर भी देखने को मिला। ऐसे में भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने जेल में बंद इमरान खान की तस्वीरें बताते हुए ये तस्वीरें चलाई। हमने जांच की और पाया कि ये तस्वीरें AI जनरेटेड है।
वहीं लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध किए जाने के दावे के साथ ये वीडियो चलाया गया। हमने तफ्तीश की तो पाया कि ये वीडियो पुराना है, जिसमें लोग पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास वोट के जरिए हटाने का विरोध कर रहे थे। वहीं ये फर्जी डॉक्यूमेंट भी काफी शेयर किया गया, जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के बीच जेल में कैसा व्यवहार किया जाए इसके बारे में समझौता किया गया था। लेकिन डॉक्यूमेंट को बारीकी से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इसमें अधिकारियों के साइन ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद उनके साइन से मेल नहीं खाते हैं। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कैसा माहौल चल रहा है ये दिखाने के लिए पुराने और असंबंधित विजुअल्स शेयर किए गए। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि कर्नाटक में ये बच्चा बीच सड़क पर नमाज पढ़ रहा है। हमने जब छानबीन की तो पाया कि ये वीडियो 10 जनवरी 2023 को टिकटॉक पर पोस्ट किया गया था। वीडियो में एक फ्रेम में दिख रही गाड़ी की नंबर प्लेट पर दुबई लिखा है, यानी ये वीडियो भारत का नहीं हो सकता। सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो चलाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम महिला ने हिंदू देवता राम पर अंडे फेंके। सबसे पहले तो हमने वीडियो में दिख रही जगह को जियो लोकेट किया। हमें मालूम हुआ कि ये सीसीटीवी फुटेज औरंगाबाद के श्री राम चौक का है। आगे जांच जारी रखने पर हमें पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया का ये वीडियो स्टेटमेंट मिला। आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आज धार्मिक भावना दुखावल्या जाईल असे काही कृत्य घडले होते। सदर घटनेच्या मागे धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू सदर व्यक्तीचा दिसून येत नाही। केवळ मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्यामुळे त्या व्यक्तीकडून सदरचे कृत्य झालेले आहे। वही कई मीडिया चैनल्स ने ये तस्वीर चलाते हुए दावा किया कि अमेरिका के पेंटागन के पास ब्लास्ट हुआ। कई भारतीय मीडिया संगठन जैसे रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, नव भारत, न्यूज 18 मध्य प्रदेश ने ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ चलाई है। असल में पेंटागन आरक्षण पर या उसके आसपास कोई विस्फोट की घटना नहीं हुई थी। वहीं शेयर की गई ये तस्वीर एआई जनरेटेड है। ये वीडियो चलाते हुए कई राइट विंग यूजर्स ने दावा किया कि यूपी के बागपत में इन लड़कियों को नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो के संदर्भ में छानबीन शुरू की। दरअसल ये वीडियो यूपी के बागपत के होशियारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। हमें एबीपी गंगा की इस वीडियो रिपोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल का ये बयान मिला। अनेकता में एकता, तो उसमें आप भी जानते हो कि सभी धर्म के बच्चों का एक इवेंट उसमें हुआ था। तो इसमें ये एक सीन था, बच्चों का ये एक नाटक था और इसमें एक सीन था। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये सीन क्रिएट किया जा रहा है तो मैंने तुरंत इसको स्टॉप कर दिया। यानी वायरल वीडियो सिर्फ एक नाटक का हिस्सा है, जिसे शेयर कर सोशल मीडिया पर कम्युनल दावा चलाया गया। 28 मई को जिस दिन नई संसद का अनावरण किया जा रहा था, उसी दिन विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और भारत के कुछ नामी पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। ये लोग जंतर मंतर पर कई दिनों से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लिए जाने के बाद इन सब की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जाने लगी और कहा जाने लगा कि पुलिस हिरासत में ये लोग मुस्कुराते हुए देखे गए। मालूम चला कि ये तस्वीर भी एआई जनरेटेड थी। पहलवान बजरंग पुनिया ने वायरल तस्वीर को फर्जी बताते हुए ये ट्वीट किया था।